सहम गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात इसराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग की। यूं तो पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से इसराइल अब तीन तरफ से जंग में घिरा हुआ नजर आ रहा है। गाजा में हमास के साथ उसका टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्ला गुट के साथ भी अब इसराइल की अदावत चरम पर दिख रही है। वहीं यमन के हूती भी रुक रुक कर इसराइल के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं। इसराइल लेबनान युद्ध को लेकर अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान जाने से बचने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बीच लगातार जारी जंग से खतरा उन देशों के सैनिकों पर भी बढ़ रहा है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन को चलाने के लिए इसराइल और आसपास तैनात हैं। भारत के भी सैनिक इसमें शामिल हैं, लेकिन भारत को अपने बहादुर जवानों की परवाह है, इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद के लिए लगातार तत्पर है। इसी कड़ी में युद्ध क्षेत्र में तब्दील तेल अवीव में घायल एक भारतीय जवान को रेस्क्यू करके स्वदेश भी लाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। इसराइल और हिजबुल्ला के जारी घमासान के बीच अब भारतीय सेना भी एक्शन में आ गई है, लेकिन ये एक्शन किसी पक्ष की ओर से हथियार उठाकर लड़ने का नहीं है, बल्कि शांति मिशन पर तैनात उन जवानों की मदद का है जो जंग की आग के शिकार बन रहे हैं। इसराइल हिजबुल्ला के भीषण जंग के बीच तेल अवीव में भारतीय सेना ने इस सिलसिले में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सेना ने विदेश मंत्रालय और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर एक घायल जवान को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। जवान को तेल अवीव से भारत ले आया गया। दरअसल UNDOF की ओर से गोलान हाइट्स में तैनात 33 वर्षीय हवलदार सुरेश आर 20 सितंबर को घायल हो गए थे। UNDOF यानी यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है। हवलदार सुरेश आर को सेना के विमान से दिल्ली लाकर सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय सेना ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि ड्यूटी के दौरान हवलदार को गंभीर चोटें आई थी, उन्हें इसराइल में UN अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि उन्हें और इलाज की जरूरत थी, इसलिए उन्हें भारत लाने का निर्णय लिया गया। रास्ते में उनकी देखभाल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई। भारतीय सेना ने कहा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यह सुनिश्चित किया गया कि घायल सैनिक को बेहद अनिश्चित स्थिति के बीच भारत लाया जाए। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह मिशन सशस्त्र बलों के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीवन बचाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसराइल के मैदान जंग से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, एकीकृत रक्षा स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके बदौलत घायल भारतीय सैनिक को इसराइल से सुरक्षित स्वदेश लाया जा सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करके हवलदार सुरेश के रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की। उन्होंने लिखा कि मैं हमारे घायल सैनिकों को निकालने की योजना बनाने और सफलतापूर्वक उसे क्रियान्वित करने में उल्लेखनीय एकजुटता दिखाने के लिए हमारे सशस्त्र बलों की सराहना करता हूं। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जिन्होंने एक बार फिर सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग को रोकने की कोशिशें भी तेजी से चल रही हैं, लेकिन न तो इसराइल पीछे हटने को तैयार है न ही हिजबुल्ला। ऐसे में जंग की आग और धधकती जा रही है। इसकी चपेट में अब वे जवान भी आ रहे हैं जो लड़ाई से प्रभावित इलाकों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में तैनात हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों की ओर से घायल जवानों के रेस्क्यू की पहल अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली है। आपको ये भी बता दें कि कल हिजबुल्ला ने इसराइल के हाइफा शहर को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान की आशंका है। वहीं इसराइली मीडिया ने ये भी दावा किया कि किरियात शमोन इलाके में कई रॉकेट गिरे जो हिजबुल्ला की ओर से दागे गए थे। इस बीच इसराइल ने अब हिजबुल्ला के ड्रोन यूनिट के प्रमुख मोहम्मद सरूर को मार गिराने का भी दावा किया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सरूर लेबनान की राजधानी बेरूत में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइल हमले में मारा गया। लेबनानी मीडिया के अनुसार अपार्टमेंट पर 3 मिसाइलें दागी गईं।
वहीं इजरायली सेना अब उत्तरी सरहदी इलाके में नहारिया शहर पहुंच चुकी है। इस इलाके में सेना की 2 रिजर्व ब्रिगेड को तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि इजरायल अब जल्द ही लेबनान पर जमीनी कार्रवाई भी कर सकता है। वहीं लेबनान सरकार ने एक बार फिर से युद्ध विराम की अपील दोहराई है और कहा है कि उनका देश गहरे संकट से गुजर रहा है और उसके वजूद पर ही खतरा पैदा हो गया है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बोई उबेह ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व समुदाय से दखल की मांग की है क्योंकि इसराइल ने तो युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में अगर इसराइल की ओर से हमले बढ़ते हैं तो फिर लेबनान का तो भगवान ही मालिक है। इस बीच हिजबुल्ला की ओर से हमले बढ़ने की आशंका को देखते हुए इसराइल भी सतर्क है और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से विमानों की उड़ानें रोक दी गई हैं। इस एयरपोर्ट को पहले भी रॉकेट से निशाना बनाया गया था। हमास और हिजबुल्ला के अलावा इसराइल को तीसरा खतरा यमन के हूती विद्रोहियों से भी है। इसराइली सेना ने बीती रात यमन की ओर से छोड़ी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह करने का दावा किया। पहले भी हूती विद्रोही कई बार इसराइल को निशाना बना चुके हैं। ऐसे हालात में ये जंग कहां पर जाकर थमेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं इसराइल के नए प्लान की। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इसराइल ने लेबनान पर हवाई हमले किए, लेकिन अब इजरायली सेना ने हिजबुल्ला से जमीनी जंग में निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना जमीनी चढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी समय इजरायली सेना लेबनान में जमीन के रास्ते से घुसकर जंग को आगे ले जा सकती है। इसके लिए इसराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को उत्तरी इसराइल की सीमा पर बुला लिया है। बीते कुछ दिनों से ये सैनिक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। असल में हमास की तरह ही हिजबुल्ला के आतंकियों ने सुरंगों में शरण ले रखी है, इसलिए इसराइल जमीनी लड़ाई के जरिए उनको खत्म करने की तैयारी में है। देखिए खास रिपोर्ट। आ गया है लेबनान। सहम गया है हिजबुल्ला। 8 दिनों में ही इजरायल ने हिजबुल्ला के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। जबरदस्त रणनीति के साथ पहले पेजर और वॉकी टॉकी धमाके किए, फिर एयर स्ट्राइक की, रॉकेट से गोले दागे, और अब इजरायली सेना जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने जा रही है। इजरायल के सैनिक हाईटेक टैंक, मिसाइल और अत्याधुनिक हथियारों के साथ बॉर्डर पर तैनात हैं। जंग की तैयारी हो रही है। इजरायल ने अपने सबसे खतरनाक टैंक मार्गवा के साथ लेबनान में एंट्री करके हिजबुल्ला को तबाह करने का फैसला कर लिया है। तैयारी हो चुकी है, अब बस हमले का काउंटडाउन बाकी है। लेबनान पर हमले का सिलसिला पिछले 8 दिनों से जारी है। रोज इजराइल के फाइटर जेट्स लेबनान में कहर बरपा रहे हैं, पर अब इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ कह दिया है कि वो जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। हर्जी हवेली ने कहा कि लेबनान में घुसने के लिए जमीन तैयार करने के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं, यानी एयर स्ट्राइक के साथ ही इजराइल न सिर्फ लेबनान में घुसने की योजना बना चुका है बल्कि हिजबुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का इरादा भी कर चुका था। हलेवी ने दो टूक कहा कि हम अंदर जाएंगे, वहां दुश्मन को नष्ट करेंगे, उनकी बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। इजरायली सेना हिजबुल्ला के इलाके में घुसेगी और उसकी सैन्य चौकियों को बर्बाद करेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का सामना करने का क्या मतलब होता है। इजरायल के इस ऐलान से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, क्योंकि लेबनान में अगर इजरायली सेना घुसती है तो गाजा की तरह एक और युद्ध की शुरुआत होगी। मगर ये सवाल है कि इजरायल ये रिस्क क्यों ले रहा है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली ये कि गाजा में 1 साल से जारी जंग अब आखिरी पड़ाव में है। इस दौरान इजरायली सेना ने हमास को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हमास चीफ हानिया और दूसरे बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि हमास से निपटने के बाद अब इजरायल ने हिजबुल्ला का रुख कर लिया है। इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मोर्चा खोला है। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर धमाके हुए, हिजबुल्ला के कई लड़ाके और कमांडर मारे गए।
करीब 1500 आतंकी जख्मी हुए जो जंग लड़ने की हालत में नहीं। इसके बाद वॉकी टॉकी धमाके से हिजबुल्ला दहल गया। इसके दो दिन बाद यानी 20 सितंबर को इसराइल ने 70 मिसाइल दागी। 21 सितंबर को 400 मिसाइलों के साथ हमला किया। 22 सितंबर को करीब 150 मिसाइलें दागी, लेकिन 23 सितंबर को भीषण हमला बोलते हुए हिजबुल्ला के 10,000 रॉकेट को तबाह कर दिया। 550 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद भी यानी 24 और 25 सितंबर को इसराइल ने हमले जारी रखे। इस तरह इसराइल ने पहले ही हिजबुल्ला को घुटने पर ला दिया है और अब जमीनी ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लेबनान के बॉर्डर पर बसे इजरायली लोगों की सुरक्षा। दोनों देशों की सरहद मिलती है। सरहद इस पार इजरायल के कई इलाकों में करीब 60,000 लोग हिजबुल्ला के हमलों की वजह से शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं और इजरायल इस इलाके को हिजबुल्ला के हमलों से मुक्त करना चाहता है। लेबनान में पेजर अटैक से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि मैंने ये पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं, मैं लेबनान बॉर्डर से बेघर हुए लोगों को वापस लौटा कर रहूंगा। इसराइल का लक्ष्य साफ है, हिजबुल्ला की ताकत को खत्म करना ताकि वो इसराइल पर हमले के लिए सोच भी ना पाए। पिछले 8 दिनों में लेबनान में 6,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है, 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हिजबुल्ला के ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इसराइल के टैंक लेबनान में घुसेंगे तो कैसी तबाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी जंग लड़ता है तो तय है कि अपने सबसे ताकतवर मरकावा टैंक को आगे रखेगा। मोर्चे पर मरकावा टैंक तैनात भी हो चुके हैं। मरकावा को इसराइल की बख्तरबंद फौज की रीढ़ कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता जोरदार है और लैंडमाइन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इस टैंक को चलता फिरता बंकर कहा जाता है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होती है। तो मरकावा टैंक से 4 किलोमीटर तक गोला दागा जा सकता है। मरकावा टैंक एक 120 मिलीमीटर की बोर गन से लैस है। इसकी मदद से ऊंचाई से आने वाले हथियारों को भी तबाह किया जा सकता है। इसमें 2 मशीन गन भी लगाए गए हैं। टैंक कमांडर के पास एक डिजिटल हेलमेट होता है जो वॉर जोन का 3D व्यू देता है। ये हेलमेट टारगेट के बारे में सारी जानकारी देता है। इसकी मदद से ये भी पता चलता है कि किस हथियार का इस्तेमाल कब करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैंक को युद्ध में कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जानकारी ये हमें देता है। इसके अलावा इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम भी है। इसमें मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार है। इसकी ऑपरेशन क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। इसके लिए इसमें डे नाइट कैमरे लगाए गए हैं। ये टैंक AI से भी लैस है, इसलिए हमला करने से पहले दुश्मन की पहचान कर लेता है और उसके बाद उनको तबाह कर देता है। इस टैंक को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये खुद अपने आसपास के इलाकों की निगरानी करता है। इसमें कटिंग एज डिजिटल टेक्निक लगी है। ये टैंक दुश्मन के ग्रेनेड और ड्रोन हमलों को भी झेल लेता है। इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ निर्णायक जंग चाहता है, हालांकि इसकी कीमत लेबनान को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका समेत तमाम देश इस जंग को रोकना चाहते हैं। अमेरिका ने इसराइल हिजबुल्ला युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की अपील की है। सवाल यह है कि क्या इसराइल और हिजबुल्ला अमेरिकी अपील को मानेंगे। इसके आसार नहीं है, क्योंकि गाजा से हटने की अपील भी अभी तक नेतन्याहू ने नहीं मानी है। हिजबुल्ला पर अटैक करने की इसराइल के पास ठोस वजह है, तो अपनी सरहदी इलाकों में अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी वापसी चाहता है। उत्तर में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हम जीत और उत्तर के निवासियों के सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने तक हिजबुल्ला से पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। इसराइल के विदेश मंत्री के पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका और फ्रांस जैसे इसराइल के सहयोगी देश सीजफायर की अपील कर रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस ने इसराइल लेबनान जंग को रोकने के लिए बुधवार को 21 दिन के सीजफायर की मांग की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस जंग को लेकर एक आपातकालीन बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत भी हुई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीजफायर की मांग का समर्थन किया।
कहा गया कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसराइल ऐसी नसीहतों को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उस पर अमेरिका की अपील का भी कोई असर नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है, पर अमेरिका दौरे पर गए नेतन्याहू इस खतरे को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जंग रोकने का वक्त आ गया है। बाइडेन इसके लिए इसराइल और लेबनान दोनों का समर्थन मांग रहे हैं, मगर न तो इसराइल जवाब दे रहा है और न ही लेबनान या फिर हिजबुल्ला। इसके उलट लेबनान पर इसराइल के हमले गुरुवार को भी जारी रहे। लेबनान के यूनीन इलाके में गुरुवार को हमला हुआ, जिसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लेबनान में काम करने के लिए गए थे। जाहिर है कि इजरायली सेना हिजबुल्ला की हमला करने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। पलटवार हिजबुल्ला की ओर से भी हो रहा है। IDF ने कहा है कि एकड़ में 45 रॉकेट दागे गए, कुछ को रोक लिया गया और बाकी खुले इलाकों में गिरे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कई प्रोजेक्टाइल समुद्र में गिरते हुए भी नजर आए। हिजबुल्ला इसराइल को उकसा रहा है और इसराइल अपने हमले तेज करता जा रहा है। अब अगर वो जमीन के रास्ते लेबनान में घुसता है तो एक ऐसी जंग की शुरुआत होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और हालात विश्व युद्ध जैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस जंग का रुकना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेबनान में जारी लड़ाई कब बड़ी जंग में तब्दील हो जाए ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए भारत सरकार ने भी बुधवार देर रात एडवाइजरी जारी कर दी है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से तुरंत देश छोड़कर जाने को कहा है। वहीं लोगों को बेहद सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। 2 महीने पहले दूतावास ने लोगों को वहां जाने से भी मना किया था। लेबनान और इसराइल के बीच हो रहे हमले पिछले 8 दिनों में बढ़े हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अमेरिका समेत कई देश चाहते हैं कि ये जंग थम जाए। सुनिए क्या कहा अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने। जो लेबनान से आ रहे हैं वो काफी तफ्तीशनाक है और हम इलाके के तमाम देशों को यही संदेश साफ कहना चाहते हैं कि कोई भी फिरकेन को जंग से भरपूर जंग से फायदा नहीं उठाएगा। ये हिंसा नहीं फैलाए जाए और सिफारतकारी से कूटनीति से यही सूरत हाल हल होना चाहिए। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।